तो ये एक सिंगर कंपनी का रूम हीटर है, तो इसमें ये काम नहीं कर पा रहा। दोनों ही रोड बिल्कुल भी गर्म नहीं हो पा रही। तो चलो दोस्तों, इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। और वैसे दोनों रोड एक साथ बंद कभी कभी होती है, एक चलती रहती है, दोनों एक साथ ही बंद हुई है। हो सकता है ये जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसके अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी। तो एक बार खोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर तीन पेच इधर हैं, तीन इधर हैं और तीन उधर हैं। दोस्तों ये आ रही है इसमें एसी। एसी का एक तार यहाँ से निकल के एक थर्मोस्टेट से जा रहा है और एक तार इसका अर्थ का डायरेक्ट जा रहा है। तो एक बार हम इसके यहाँ पे सप्लाई चेक कर लेंगे। दोस्तों ये हमने बिजली में दे दिया, ये हमने एसी में लगा दिया। एसी 250 वोल्ट मीटर। तो अब इसमें वोल्टेज चेक करते हैं। पहले ये आ रहा है इसका फेस नेगेटिव यहाँ आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी तार भी खराब हो जाता है। हाँ तो दोस्तों ये करंट तो आ रहा है, ये देखो यहाँ ये पूरा करंट आ रहा है। इधर देखते हैं, ये इधर नहीं आ रहा। इधर तब आएगा जब इसको दबाएंगे। इसी इसको दबाए किससे? ये थर्मोस्टेट दबाना पड़ता है तब करंट आता है। इसको किसी चीज़ से दबाते हैं तभी पता लगेगा। ये आ रहा है करंट, इधर भी आना चाहिए। दोस्तों इधर नहीं आ रहा। दोस्तों एक बार ये थर्मोस्टेट खोल के देखते हैं, इसमें दिक्कत हो सकती है। थर्मोस्टेट में जो नीचे का स्विच है दबने के बाद इधर से करंट इधर जाता है, तभी ये ऑन होती है रोड। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो करंट जाएगा नहीं, दोनों रोड चल नहीं पाएंगे फिर। इसका तरीका यही है थर्मोस्टेट का, जब ये स्विच दबेगा तो दबने के बाद ये वाला करंट इधर जाएगा, तब ये रोड के अंदर जाएगा। एक बार हम वैसे भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे वैसे वायर टेस्टर है, हम इससे भी चेक कर सकते हैं। इसको इधर लगा लेते हैं। आपके पास बीप वाला मीटर हो तो बीप वाले से भी चेक कर सकते हैं। वैसे तो काम कर रहा है, ये छोड़ दिया बंद हो गया, ये ऑन हो गया। दबाने पे काम तो कर रहा है। और हम इधर का रोड लगा के दोस्तों, थर्मोस्टेट तो हमारा सही है लेकिन ये फिर भी नहीं गर्म हो रही। एक बार इसकी रोडें चेक करते हैं, रोड खराब है इसलिए।
ये रोड हमारी कंटिन्यूटी में बता देंगे। तो एक बार कंटिन्यूटी पे करते हैं, ये हमने कंटिन्यूटी पे कर लिया। अब रोड को एक सिरे पे एक रखेंगे, एक सिरे पे एक, ये भी चल रहा है, ये रोड खराब बता रहा है। दोस्तों एक सही बता रहा है, एक खराब बता रहा है, लेकिन एक भी नहीं चल रहा, क्या पता ये स्विच भी खराब हो गया। इसको हम थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट कर देते हैं चेक करने के लिए। इसको किस चीज से बांध देते हैं जिससे थोड़ी देर के लिए ये टेस्टिंग के लिए, थोड़ी देर के लिए हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, बाद में हम खोल के इसके, क्योंकि ये दबाना पड़ेगा, ये बार बार दोस्तों ये थर्मोस्टेट हमने थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट कर दिया। अब हम इसकी वोल्टेज वगैरह भी चेक करेंगे कि स्विच वगैरह पे जा रही है, क्या पता स्विच खराब हो। ये हम 250 की रेंज में कर लेंगे एसी, क्योंकि हमें एसी चेक करना है, इसलिए हम 250 की रेंज में चेक कर लेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये इसका तार भी टूटा हुआ है, यानी कि तार जला हुआ है, ये तार लगाना पड़ेगा। एक तो दोस्तों इसकी रोड खराब हो रही है, लेकिन दूसरी चल रही है तो ये तार जल गया, इसी वजह से बंद है। तो इसको खोलते हैं, दोस्तों ये पेच इतना टाइट था, ये रोड टूट गई इसकी। एक रोड खराब है इसकी, तो दोस्तों इसकी रोड लाके दोनों रोड बदलनी। तो दोस्तों ये रोड तो दरअसल मैं खोलती तब थोड़ा सा टूट गई, खोल लेते हैं इसके पीछे। दोस्तों हमने ये छील लिया, अब इसमें हम थिम्बल लगा देते हैं। दोस्तों इस तरह का हम ये थिम्बल लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये स्पार्क होगा तो खराब नहीं होगा। दोस्तों ये थिम्बल लगा लिया और देखते हैं कौन सा चला हुआ है। एक ये चला हुआ है, तो इसमें भी थिम्बल लगा देते हैं। Thank you.
दोस्तों ये थिम्बल लग चुका है। ये थिम्बल लगने से क्या होता है कि अगर तार अब लपेटते हैं तो स्पार्क कर करके रोड भी ख़राब कर देता है और वो पेज भी ख़राब कर देता है, झंड हो जाता है पेज भी तो स्पार्क से। लेकिन इसमें ये लगाने से पेज भी ठीक रहेगा, खोलने में भी आसानी रहेगी अगर बाद में कभी रोड चेंज करनी पड़े। तो ये वाली थिम्बल हमारी सही है, ओके है। रोड देखनी है, एक ये रहेगी रोड, इसको भी खोलना है। तो दोस्तों ये जो लोहे की ये भी खोलनी पड़ेगी हमें ये चेंज करने के लिए, इसके जो सारे पेज हैं वो पेज हम खोल लेते हैं। ये हमारे अर्थिंग के जो लगा रखा है यहाँ बॉडी में, ये अर्थ वो है जो हमारे घरों में कॉमन रहता, तीसरी पिन रहती है प्लग की, जो तीसरी पिन रहती है उसके लिए। तो वैसे अगर ये ना लगेगा तब भी देखा रखेगा, अगर घर में अर्थ है तो तब इसके काम बहुत अच्छा करेगा। दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के दो चैनल है, KMKS रिपेयरिंग यानी KMKS फाइंड सॉल्यूशन, दोनों ही मेरे रिपेयरिंग के चैनल हैं, आप दोनों ही सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हमने इसको सारे खोल लिए, सारे पेज खोल चुके हैं। दोस्तों ये हमारा ये निकल चुका है, रोड भी टूट चुकी है, ये रोड खोलती दफ़े टूटी है, वैसे तो नहीं ख़राब थी। तो ये चलो एक तरफ का हमें ये हटाना पड़ेगा दोस्तों, ये जो पत्ती है ना लोहे की, एक तरफ की किस दर की भी हटा दें क्योंकि रोड पर होने में तभी आसान रहेगी। तो हम इधर का पहले इधर का खोल देते हैं, दोस्तों अपने ख़राब है सही रोड चेक करने के लिए आपको एक वीडियो और बना दी है, उसमें देख लेना। एक वीडियो हमने पहले भी डाली थी इसी तरह के एक रोड चेंज करने की, वो भी देख सकते हैं आप। ये हमने पत्ती खोल दी, ये पत्ती है, ये रोड ख़राब है। अब ऐसी ये वाली पत्ती हटा लेते हैं, तो हमारी ये दो रोड दोनों हम नहीं बदलेंगे। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता, आप किधर दोनों में से किधर ही लगा सकते हैं। अब ये पत्ती लगा देते हैं, इस पत्ती को ये पत्ती फिर अंदर से आप मोड़ दें, ये पत्ती अंदर से मोड़ देंगे तो ये रोड यहाँ फिक्स हो जाएगी घूमने के लिए। और इसी तरह आप इसमें से दूसरी रोड ले लें, अभी ये पत्ती लगा दें और ये जो कुंदे दोनों अंदर से मोड़ दें तो ये पत्ती वहीं की वहीं रह जाएगी।
दोस्तों ये सारा हमने फिट कर लिया है पूरे पेज पेज। अब हम इसको एक बार पलट के इसका जो कवाड़ वगैरह वो भी कर देते हैं, निकाल देते हैं। अब हम इसका ढक्कन लगा के एक बार चेक कर लेते हैं इसका। अब इसे एक बार चला के देते हैं। दोस्तों ये देखिए एक रोड तो ये जल गया, ये लाल हो रही है। अब हम दूसरी जलाते हैं, ये ऊपर वाले। ये देखिए दोस्तों दूसरी भी जलने लगी, ये ऊपर वाली भी जलने लगी। और अब हम नीचे वाली तो हमने जला दिया था, दोनों ही एक साथ जला के दिखा देते हैं आपको। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी दोनों, अब दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए ऊपर वाली भी जलने लगी, नीचे वाली भी जलने लगी। अब हम ऊपर वाली बंद कर देते हैं और नीचे वाली भी बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों की दोनों जलने लगी। अब हम इसके सारे पेज कस लेंगे। तो दोस्तों इसका प्लग निकाल देते हैं। दोस्तों अगर ये जले तो ये थर्मोस्टेट का भी ध्यान रखें, जब ये चीज़ दबती है तब करंट जाता है। ये समझ लो ऑन ऑफ स्विच भी समझ लो, ये थर्मोस्टेट है ये। तो अगर ये दबेगा नहीं तो ये जलेगी नहीं। तो दोस्तों इसके पूरे पेज कस देते हैं इसको। दोस्तों ये बिल्कुल फिट कर दिया हमने इसको, सारे पेज वेज लगा दिए। दोस्तों आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।